नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। बीती रात असामाजिक तत्व ने यहाँ पे आग लगा दिया। ये सिमी इंटरप्राइजेस का यहाँ पे गोदाम है, यहाँ पे टाल है, यहाँ पे प्लास्टिक का काम किया जाता था। हमारे साथ उनके ऑनर भी हैं, उनसे जुड़ते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ का सीन दिखा दे कि पूरी तरह से जल के राख हो गया, कुछ पार्ट बचा हुआ है। रात में ये भोर में सुबह 4 बजे की घटना है, जिसके बाद स्थानीय लोग और यहाँ के जो दमकल के गाड़ी यहाँ पे पहुँची और जिसके बाद ये आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन स्थानीय लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा सहयोग है। हमारे साथ उनके ऑनर भी हैं, उनसे जानते हैं कि कितना का नुकसान होगा और क्या चीज़ का आप काम करते थे। प्लास्टिक का होलसेलिंग का काम करते थे। यहाँ से देख रहे सिब्बी इंटरप्राइजेज में GST में सब माल हम लोग बेचते हैं। करीब करीब महीना का 1.5 लाख रुपया खाली सरकार को टैक्स भरते हैं। कितना का नुकसान हो गया होगा इसमें? 50,000-60,000 का नुकसान हो गया होगा, 50-60,000 का। तो कितनी दमकल की गाड़ियाँ आई थी कल रात को और किसके किसके सहयोग से आग पे काबू पाया जा सके? वो PCR आके खड़ा था, फिर सब दमकल वाला को फोन किए तो आया तो बुझा दिए। 4 गाड़ी में हो गया था, बुझ गया था। और कौन कौन सा दुकान था यहाँ पे? दिख रहा है कि दूसरा कोई दुकान भी था। हाँ, ये होटल था, चाय बना के बेचता था, पान गुमटी भी था। तो अब देखिए, ये तो अपने तरफ से इन्होंने काफ़ी यहाँ पे कोशिश किया कि उनको कम नुकसान हो, लेकिन अब देखने की बात यह है कि वो असामाजिक तत्व को क्या पुलिस खोज पाएगी और क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।